Shri Rajpal Singh Saini ji. मैं सबसे पहले अपनी नेता महान नेता बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी का शुक्रिया अदा करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझ जैसे अति पिछड़े किसान के बेटे को इस भारत के सर्वोच्च सदन में भेजने का काम किया। महोदय, वो एक ऐसी नेता हैं जो हिंदुस्तान में मसीहा हैं गरीबों की, दलितों की, पिछड़ों की, अल्पसंख्यकों की, और जिस समाज को राजनीति में प्रतिनिधित्व नहीं मिलता, जो गरीब हैं, जो पिछड़े हैं, जो असहाय हैं, उन लोगों को बहन कुमारी मायावती राजनीति में हिस्सेदारी देती हैं, प्रतिनिधित्व देती हैं, उनके अंदर राजनीतिक चेतना जगाने का काम करती हैं। महोदय, 6 साल इस सदन में बीते और 6 साल में यहाँ के अनुभवी साथियों से, यहाँ के विद्वान मेंबर्स से, यहाँ के संविधान के ज्ञाताओं से जो सीखने को मिला, वो एक बहुत ही उसका मैं बहुत एक अच्छा अनुभव करता हूँ। और जो मेरी नेता ने अभी यहाँ बोला था कि जो लोग रिटायर हो रहे हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है समाज को जोड़ने की, समाज में जाकर अपनी पार्टी के लिए काम करने की, हम उस काम को करेंगे। और मैं धन्यवाद देता हूं अध्यक्ष जी आपको भी, और सबसे ज़्यादा धन्यवाद देता हूं प्रोफेसर साहब कुरियन साहब को, उपाध्यक्ष महोदय को, कि उन्होंने जब भी हमने कोई गरीब की, किसान की, मजदूर की बात उठाने का आग्रह किया तो उन्होंने मौका दिया। लेकिन एक बात जरूर रही कि जब इंग्लिश में जो लोग बोलते हैं उनके लिए घंटी थोड़ा देर में बजती है, और जो हम लोग जो यहाँ बैठते हैं जो हिंदी में बोलते हैं उनके लिए घंटी बहुत पहले बज जाती है। ये भी मेरा एक अनुभव रहा। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रोफेसर साहब आपको, फिर दोबारा अध्यक्ष जी आपको, और यहाँ के स्टाफ को, सेक्रेटरी जनरल बैठे हैं उनके साथ लोग बैठे हैं, और ये जो बेचारे खड़े रहते हैं हमारे साथ पीछे, इन लोगों का भी बहुत हम लोगों को सहभाग मिला, हम लोगों को इनका सहयोग मिला। मैं एक बार फिर अपनी नेता बहन कुमारी मायावती जी को धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। थैंक यू। आपने देखा होगा कि आपके लिए घंटी नहीं बजी।